Hello everyone, in this video you will get to know how we can handle missing values in a data frame or in a CSV file. As we know that a data frame can consist of many rows where each row can have values for various columns, right? So data frame kaise banta hai? Data frame is the combination of rows and columns, right? Okay, if a value corresponding to a column is not present, agar koi bhi value present nahi hai kisi bhi column mein, okay, it is considered to be a missing value. To wo kya considered hoti hai? Wo missing value considered होती है, राइट? अ मिसिंग वैल्यू इज डिनोटेड बाय NaN. तो मिसिंग वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय NaN, राइट? मिसिंग वैल्यूज क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस एंड हैव टू बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली. अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो और कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज. ओके, द टू मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एक्सप्लेन इन दिस सेक्शन आर. तो हम दो तरीके से, दो स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए. ड्रॉप द ऑब्जेक्ट हैविंग मिसिंग वैल्यूज. जो भी, जिस भी ऑब्जेक्ट में मिसिंग वैल्यू है आप उसको ड्रॉप कर दो. ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहां पर है जिस रो में है या जिस कॉलम में है डेटा फ्रेम के या सीएसवी फाइल के, आप उसको ड्रॉप कर दो, उसको डिलीट कर दो, राइट? और यू कैन फिल और एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू, या फिर आप उसको फिल कर दो या किसी और वैल्यू से क्या कर दो, उस जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उससे आप उसको फिल कर दो. Okay, so here we are going to handle the missing values, right? Oh, fine. Then import numpy as np. Okay, दो आपने लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट किया है. नाउ आई वांट टू क्रिएट माय डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी. मैं एक डिक्शनरी से अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगी. तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, क्योंकि इसको लिखने में बड़ा टाइम जाता. फाइन, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी कर दिया. ओके, अब मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करूंगी. डी एफ वेरिएबल लिया है पी डी डॉट. ओके, अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करेंगे टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, राइट? और मेरे डिक्शनरी का नाम है मार्क्स यूटी, यूटी के मार्क्स, राइट? ओके, एंड देन वी विल प्रिंट आर डेटा फ्रेम. ठीक है, तो ये डिक्शनरी जो है वो क्या बन जाएगी, हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा, राइट? हमने डेटा फ्रेम ले लिया यहाँ पे. अब मैं सिंपल इसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. ओके, नाउ सी हियर वी हैव आर डेटा फ्रेम. मैं इसको यहां से आपको शो करके दिखाती हूँ, राइट? ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है. और डेटा फ्रेम में देखो आपके जो आपका फोर्थ रिकॉर्ड है, राइट? उसमें देखो इसके मार्क्स हमने क्या दे दिए, NaN दे दिए. ठीक है, मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो NaN, देन साइंस NaN. ओके, आपका हिंदी SST 19, हिंदी 18 एंड इंग्लिश NaN, राइट? सो हियर वी हैव गिवन सम नल वैल्यूज, राइट? हमने कुछ नल वैल्यूज यहाँ पर दे दिए. ओके, अब नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपको करना है इज नल फंक्शन का यूज, राइट? तो इज नल फंक्शन का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, हम ये दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यूज है कि नहीं है. ठीक है, इज नल फंक्शन इज यूज टू चेक मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम. ठीक है, और जहां पे इसको मिसिंग वैल्यूज मिलती है वहां पे क्या आता है, ट्रू आता है. ओके, तो इज नल फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो बूलियन होता है. ओके, इट विल शो यू ट्रू, ये आपको ट्रू शो करेगा जहां पे क्या होगी, मिसिंग वैल्यूज होगी, और जहां पे मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी वहां पे ये करता है क्या, शो करता है फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डेटा फ्रेम को मैंने स्लैशन दे दिया जिससे हमारा जो नेक्स्ट डेटा फ्रेम है वो नेक्स्ट लाइन में आए. ओके, तो अब यहां पे हम करेंगे फंक्शन का यूज. ठीक है, df डॉट इज नल इज नल. ओके, नाउ वी विल प्रिंट इट अगेन. इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ सी अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट किस में आया, फॉल्स फॉल्स. जहां पे वैल्यू है वहां वहां फॉल्स आ गया है. ओके, और जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे देखो ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स आया है. ओके,
आप इस नल फंक्शन को एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे तो क्या हुआ, कंप्लीट डेटा फ्रेम को उसने शो कर दिया है, जहां जहां वैल्यू है वहां वहां फॉल्स आया, राइट, और जहां जहां वैल्यू नहीं है वहां पे क्या आ गया, ट्रू। ओके, तो हमने इस डेटा फ्रेम के अंदर ओनली 3 वैल्यूज ही मिसिंग की थी। ओके, नाउ अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का देखना है कि उसमें कितनी वैल्यूज मिसिंग है, कितनी वैल्यूज फिल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉलम का भी आप चेक कर सकते हो यूजिंग इस नल फंक्शन। तो प्रिंट डीएफ, डीएफ में आप दे दो जो भी कॉलम आप चेक करना चाहते हो। मान लो मैं यहाँ पे साइंस कॉलम को चेक करना चाहती हूँ। ओके, एंड साइंस कॉलम डॉट इस नल, फाइन। नाउ एग्जीक्यूट दिस। नाउ दिस इज आर रिजल्ट। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया आपका। नाउ सी, ओनली जो आपका इंडेक्स 3 है वहां पे ट्रू है, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है, फाइन। तो यहाँ पे इस नल की हेल्प से क्या आ गया, शो हो गया कि कॉलम में कौन सी वैल्यू, मतलब कौन कहाँ पे वैल्यू है और कहाँ पर वैल्यू नहीं है। जहां पर वैल्यू है वहां पे रिजल्ट आपका फॉल्स है, और जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे ट्रू है। ओके, तो आप एक पर्टिकुलर कॉलम में भी चेक कर सकते हो कि उसमें कितनी वैल्यूज नल है। ओके, ओके, नाउ इफ अगर आपको चेक करना है कि आपके जो कॉलम्स हैं, ओके, वो सारे के जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग है या नहीं है, राइट, ओके, तो यहाँ पे कॉलम वाइज ये शो करे कि इस कॉलम में कोई भी एक भी वैल्यू मिसिंग है या नहीं है, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे एनी फंक्शन। ओके, और ये किसके साथ यूज करोगे, आप इस नल के साथ यूज करोगे। ओके, तो क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इन केस ऑफ मिसिंग वैल्यू, एल्स रिटर्न्स फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मिसिंग वैल्यू होगी इस कॉलम के अंदर कहीं भी, तो वो क्या कर देगा, आपको रिटर्न करेगा ट्रू, और कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स, राइट। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रिंट राइट डीएफ डॉट इज नल डॉट एनी फंक्शन, राइट। एनी फंक्शन क्या है, पूरा डेटा सेट को, पूरे डेटा फ्रेम को चेक करेगा, और जिस भी कॉलम में मिसिंग होगी वैल्यू, कोई भी एक भी या उससे ज्यादा वैल्यू मिसिंग होगी, तो उस कॉलम को ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये कर देगा ट्रू। ओके, और जिस कॉलम में एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी उसके उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, फॉल्स, राइट। तो अगर आपको एक बिग उसमें देखना है, डेटा सेट में देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉलम अगर मिसिंग वैल्यू कंटेन करता है, तो ये क्या होता है, इट विल बिकम इजी, क्योंकि ये कॉलम के नेम के आगे क्या शो कर देगा, ट्रू, राइट। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लुक एट दिस नाउ, सी कि आपका फॉल्स आया है, मैथ्स में ट्रू है, साइंस में ट्रू है, एसएसटी फॉल्स, हिंदी फॉल्स, राइट। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैथ्स कॉलम में मिसिंग वैल्यू है, नल वैल्यू है, साइंस में नल वैल्यू है, एंड इंग्लिश में भी नल वैल्यू है, राइट। तो ये शो कर रहा है, ओके। और अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, कॉलम का नेम दे देना है, ओके, डीएफ, राइट। मैंने यहां पे ले लिया साइंस, क्योंकि उसमें हमारी नल वैल्यू है, इंग्लिश भी ले सकते हैं आप, साइंस, ओके, डॉट इस नल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम नल वैल्यू को चेक कर रहे हैं, राइट। फिर लेटर ऑन आप सीखोगे कि कैसे आपको उसको ड्रॉप करना है, ओके, और कैसे फिल करनी है नल वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम का चेक करना है, तो आप क्या करोगे, डीएफ डेटा फ्रेम का नेम है, कॉलम नेम डॉट इस नल डॉट एनी, राइट। एग्जीक्यूट दिस, देखो अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू। तो क्योंकि साइंस कॉलम में क्या है, नल वैल्यू है, साइंस कॉलम में क्या है, नल वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया है ट्रू, ओके। अगर मान लो मैं कोई और कॉलम लेती हूँ जिसमें नल वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हिंदी, हिंदी, ओके, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी, तो रिजल्ट क्या आ गया है? मेरे पास रिजल्ट आ गया है फॉल्स, ओके, फॉल्स रिजल्ट आ गया है। ये क्या शो कर रहा है कि जो हिंदी कॉलम है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं है, ओके। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं, राइट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस नल फंक्शन के साथ सम फंक्शन का यूज करोगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, कमांड प्रिंट डीएफ डॉट इस नल फंक्शन, राइट, डॉट सम फंक्शन, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज है डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। एग्जीक्यूट दिस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया है,
सी आपका यूटी कॉलम है, ओके okay, उसकी नल वैल्यूज उसमें जीरो है, मतलब एक भी नल वैल्यू नहीं है, नेम में एक भी नल वैल्यू नहीं है, मैथ्स में वन है, साइंस में वन है, एसएसटी में जीरो है, हिंदी में जीरो है, इंग्लिश में वन है। तो इसने यहाँ पे शो कर दिया कि कितनी नल वैल्यू है एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। फाइन, ओके okay. और अगर आप ये फाइंड आउट करने चाहते हो कि पूरे डेटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यूज है, राइट, या पूरी जो भी आपने सीएसवी फाइल ली है या जो भी लिया है उसमें टोटल कितनी नल वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, df डॉट इज नल, ओके, फंक्शन के साथ आपने पहले क्या लगाया था, सम फंक्शन, तो क्या हुआ, कॉलम वाइज नल वैल्यूज आ गई। अगर आप पूरे डेटा सेट में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डॉट सम, फिर से डॉट सम फंक्शन का यूज करोगे, यहाँ पे टू डॉट सम फंक्शन का यूज किया गया है, ओके, देन एग्जीक्यूट दिस। देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल के आ गया है 3, आपका रिजल्ट निकल के आ गया है 3, मतलब जो पूरा डेटा सेट है, पूरा डेटा फ्रेम है, उसमें कितनी नल वैल्यूज हैं टोटल, उसमें टोटल नल वैल्यूज हैं 3, ओके ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप एन ए फंक्शन, राइट। ड्रॉप एन ए फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप उस कंप्लीट रो को ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है, नल वैल्यूज है, राइट ओके। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉप एन ए फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम ले लेते हैं df1, ओके, df1 वेरिएबल इसलिए लिया है जिससे कि जो रिजल्ट आए, ओके, ड्रॉप होके रिजल्ट आए वो न्यू डेटा फ्रेम हो, हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज वी रिक्वायर दैट डेटा फ्रेम, ओके। तो हमने यहाँ पे किया ड्रॉप एन ए फंक्शन का यूज, ओके, राइट एंड प्रिंट। अब यहाँ पे ड्रॉप एन ए फंक्शन क्या करेगा, जो डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी नल वैल्यूज होंगी, जितनी भी रोज होंगी, जिनके अंदर नल वैल्यूज होंगी, वो सारी रोज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, राइट, df1। तो हमने यहाँ पे एक ही रो में नल वैल्यू ली है, तो वो कंप्लीट रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी रोज होती, ओके, जिनके अंदर नल वैल्यू होती, तो वो सारी की सारी रोज क्या हो जाती है, डिलीट। फाइन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, ओके, नाउ यू लुक एट द रिजल्ट हियर। यहाँ पे देखो जो हमारा 3 था, आपका इंडेक्स वैल्यू 3 थी, वो वाली रो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। फाइन, किसकी हेल्प से, ड्रॉप एन ए फंक्शन की हेल्प से, ओके, यहाँ पे हमने एक ही जो रो थी उसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट की थी, तो इस वजह से एक ही हुई है। अदरवाइज डेटा फ्रेम में जहां जहां आपके क्या पास होती नल वैल्यूज, ओके, वो रोज क्या हो जाती, ड्रॉप एन ए फंक्शन की हेल्प से डिलीट हो जाती, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को फिल कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, फिल एन ए फंक्शन का यूज करूंगी, ओके। तो यहाँ पे df1 हमने वेरिएबल लिया, df.fillNA, और मैं चाहती हूँ जो मेरी नल वैल्यूज है उनके प्लेस पे जीरो आ जाए, ओके, NaN की बजाय वहां लिखा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट df1, राइट, एग्जीक्यूट दिस। सी नाउ वी, यहाँ पे देखो आप, रिजल्ट देखो आपका, जहां पे आपकी नल वैल्यूज, यहाँ पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है। फाइन, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ जो आपका इंडेक्स 3 है उसके अंदर मैथ्स कॉलम में, साइंस कॉलम में एंड इंग्लिश कॉलम में आपके पास क्या आ गया है, जीरो आ गया है। फाइन, आप कुछ और भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे दू 1, ओके, यहाँ पे मैं इसको करना चाहती हूँ फिल 1 से, इसको आप एग्जीक्यूट करो, राइट। अब आप इसको देखो, तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, यहाँ पे 1 है, ओके, मैथ्स में 1, देन साइंस 1 एंड देन इंग्लिश 1, ओके, आपने यहाँ पे फिल एन ए की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज दे दिए, ओके ओके। अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैल्यू है, राइट, तो आप वो भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया df1 df.fillNA, फिल एन ए के अंदर मैंने, आप क्या करोगे, एज अ डिक्शनरी पास करोगे कॉलम नेम, तो मुझे मैथ्स में चाहिए, मैथ्स कॉलम में मुझे चाहिए 30, फाइन, और साइंस में मुझे चाहिए, साइंस में आपको चाहिए 40, ओके, एंड इंग्लिश में आपको चाहिए 50, राइट। आपने एज अ डिक्शनरी दे दिया डेटा, आपने अलग अलग कॉलम के लिए, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग डेटा दिया है, प्रिंट df1, ओके, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस।
नाउ सी, यहां पे नाउ सी, यहां पे देखो, आपने यहां पे मैथ्स में 30 दिया था, 30 है। साइंस में आपने यहाँ पे 40 दिया है, ओके, आपका 50 आया है। ठीक है, साइंस, लुक एट दिस, दिस इज योर 30, ओके, 40 एंड 50, फाइन, ओके। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी मिसिंग वैल्यूज है वो कहीं से कॉपी हो जाए, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, उन मिसिंग वैल्यूज को कॉपी भी कर सकते हो। तो यहां पे हम यूज करेंगे, यहां पे देखो, df1 इक्वल्स टू df.fillNA, ओके। फिल एन ए के अंदर आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, आप पास करोगे मेथड पैरामीटर को, ओके, एंड आप इसकी वैल्यू दोगे f fill मीन्स फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल से क्या होगा, जो इसकी अबव एडजेसेंट सेल्स हैं, अबव मतलब जो इसके ऊपर वाली सेल्स हैं, ओके, उनका डेटा क्या होगा, इसके कॉपी, जो आपकी नल वैल्यूज है उसमें कॉपी हो जाएगा, ओके, समझ आ रहा है। फॉरवर्ड फिल मेथड से क्या होगा, जो अबव सेल्स हैं, अबव ऊपर वाली सेल्स हैं, उनका डेटा जो नल वैल्यूज है उसमें कॉपी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, प्रिंट df1 सी अब यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या थी, नल वैल्यूज थी, ठीक है, आपका जो फोर्थ यूटी था, रमन का जो फोर्थ यूटी था उसमें नल वैल्यू थी, मैथ्स की वैल्यू नल थी और साइंस की वैल्यू नल थी। तो इसने, इसका डेटा कहाँ से कॉपी हो गया, यहाँ इसका थर्ड यूटी से कॉपी हो गया, 14 14 आ गया, 19 19 आ गया है। सेम भी यहाँ पे इंग्लिश में भी नल वैल्यू थी, तो इसका भी डेटा कहाँ से कॉपी हो गया, अबव वाली सेल से कॉपी हो गया, 23 आ गया है, ओके। तो ये क्या है, एफ फिल मेथड का हमने यूज किया, फॉरवर्ड फिल मेथड का आपने यूज किया यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या है, आपने अबव वैल्यूज को क्या किया है, कॉपी किया है, फाइन। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकवर्ड फिल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बी लगा दो, फाइन, एंड एग्जीक्यूट दिस, ओके। नाउ लुक एट द रिजल्ट, नाउ अब आप देखो, यहाँ पे जो फोर्थ यूटी थी, बी स्टैंड फॉर द बैकवर्ड फिल, तो मतलब नीचे वाली सेल का डेटा यहाँ पे कॉपी होगा। तो यहाँ पे देखो, अर्जुन का जो है फर्स्ट यूटी के मार्क्स 20, वो कहाँ चले गए, रमन के फोर्थ यूटी में चले गए 20 20। ऐसे ही अर्जुन के जो 17 थे वो चले गए रमन के साइंस में 17, ओके। ऐसे ही यहाँ पे जो अर्जुन था उसके जो 19 थे वो रमन के कॉपी हो गए 19, राइट। तो आपका क्या है, एफ फिल में आप क्या करते हो, अबव सेल का डेटा कॉपी होता है, एंड बैक फिल और यू कैन में क्या होता है, आपका बिलो वाली, ओके, बिलो वाली सेल का डेटा कॉपी होता है, फाइन, ओके। अगर आप डेटा आप कॉपी करना चाहते हो अलोंग द एक्सिस, मींस फ्रॉम द कॉलम, तो आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो एक्सिस और उसकी वैल्यू आप दोगे 1 1 फॉर द कॉलम, राइट, ओके। अब देखो मेथड में क्या है, एफ फिल, एफ फिल मीन्स फॉरवर्ड फिल, राइट। तो ये क्या होगा, ये पहले वाले कॉलम से, ओके, जो उससे जो नल वैल्यू है उससे जो पहले वाले कॉलम होगा उसकी वैल्यू की कॉपी कर लेगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको जो डेटा फ्रेम है उसको दिखाती हूँ, दिस इज योर डेटा फ्रेम। तो देखो रमन है, ठीक है, इंडेक्स 3 पर, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, फोर्थ यूटी में आपकी साइंस एंड हिंदी में क्या है, नल है, फाइन, ओके, एंड इंग्लिश में भी नल है, ओके। तो यहाँ पे ये किसको कॉपी करेगा, ये 4 को कॉपी करेगा, आई शो यू, राइट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, नाउ दिस इज आवर डेटा फ्रेम, सी, अब इसने क्या किया है, मैथ्स एंड साइंस में 4 यूटी 4, दिस इज यूटी 4, ठीक है, तो 4 को कॉपी कर लिया है, राइट, और ऐसे ही इंग्लिश में 18 को कॉपी कर लिया है, ओके। तो इसने क्या किया है, अपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम था उसकी वैल्यू को कॉपी कर लिया है फॉरवर्ड फिलिंग में, राइट। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, बैकवर्ड फिलिंग कर लेते हो, तो क्या होगा, वो राइट साइड वाले कॉलम से कॉपी कर लेगा वैल्यू को, ओके, मीन्स पीछे वाले कॉलम से क्या करेगा, कॉपी करेगा, आई शो यू दिस।
अब यहाँ पे देखो SST में 19 थे, तो साइंस में भी 19 कॉपी हो गया, मैथ्स में भी 19 कॉपी हो गया, राइट। इंग्लिश में कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है क्योंकि इंग्लिश कॉलम के राइट में कोई भी कॉलम नहीं है, ओके, राइट। सो इन दिस वे यू कैन कॉपी वैल्यूज फ्रॉम कॉलम ऑल्सो, राइट। सो हेयर वी हैव डन हाउ वी कैन हैंडल मिसिंग डेटा इन अ डेटा फ्रेम और इन अ CSV फाइल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।